इसलिए कि आज भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रीगण भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्ता नशीन लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थित बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन। हम लोग नारा देते रहे हैं, हर जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे। साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही हितरशाही के रास्ते पर चलते हुए लगभग 150 सांसदों को सरकार के सारे पर 70 सदन के बाहर किया गया है।